अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल डेली जॉब इन्फो। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्त वैकेंसी शेयर करने वाला हूं। सरकारी अस्पताल में दोस्तों नई वैकेंसीज आई हैं, किस पोस्ट पे है, क्या क्वालिफिकेशन है, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने की आखिरी तारीख क्या है, आज मैं आप लोगों को मुकम्मल तफसील के साथ बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल वाले आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाले वैकेंसीज या इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों द पब्लिक वेलफेयर हॉस्पिटल सुई में वैकेंसीज हैं। इसमें सबसे पहली पोस्ट है जनरल सर्जन की, तालीमी काबिल FCPS या फिर इसके बराबर की डिग्री और 2 से 5 साल का तजर्बा होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है जनरल फिजिशियन, तालीमी काबिल सेम है FCPS मेडिसिन या फिर इसके बराबर की डिग्री। गायनेकोलॉजिस्ट, तालीमी का भी सेम है। पीडियाट्रिशियन, इसके लिए भी तालीमी का भी सेम है। रेडियोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, इन सब के लिए दोस्तों तालीमी काबिलियत FCPS या फिर इसके बराबर की डिग्री और 2 से 5 साल का रेलिवेंट तजर्बा होना चाहिए। उसके अगली पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर मेल या फीमेल, इसके लिए तालीमी काबिलियत MBBS और 2 से 5 साल का रेलिवेंट तजर्बा होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है डेंटल सर्जन मेल या फीमेल, इसके लिए तालीमी काबिलियत BDS और 2 से 5 साल का रेलिवेंट तजर्बा होना चाहिए। उससे अगली पोस्ट है क्लिनिकल फार्मेसिस्ट, इसके लिए तालीमी काबिलियत Pharma D और 2 से 5 साल का रेलिवेंट तजर्बा होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टाफ नर्स मेल या फीमेल, इसमें दोस्तों RN विद पोस्ट बेसिक डिप्लोमा, ICU या फिर IOT या फिर ER और 3 से 5 साल का रेलिवेंट तजर्बा होना चाहिए। BSc नर्सिंग वालों को तरजीह दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है OT टेक्नीशियन सुपरवाइजर, इसके लिए तालीमी काबिलियत डिप्लोमा या फिर रेलिवेंट कोर्स होना चाहिए और 3 से 5 साल का रेलिवेंट तजर्बा। उससे अगली पोस्ट है OT या फिर एनेस्थीसिस्ट टेक्नीशियन, रेलिवेंट डिप्लोमा या कोर्स किया और 3 से 5 साल का रेलिवेंट तजर्बा होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है CSSD टेक्नीशियन, इसके लिए भी दोस्तों तालीमी का भी सेम है, यानी कि आप लोगों ने रेलिवेंट डिप्लोमा या कोर्स किया हो और 3 से 5 साल का रेलिवेंट तजर्बा हो। ICU टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, इन सब के लिए तालीमी काबिल रेलिवेंट डिप्लोमा या कोर्स मुतलका फील्ड में और 3 से 5 साल का रेलिवेंट तजर्बा होना चाहिए। इससे अगली पोस्ट है बायोमेडिकल टेक्नीशियन, इसके लिए तालीमी काबिल DAE इलेक्ट्रॉनिक्स और 3 से 5 साल का रेलिवेंट तजर्बा होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा या फिर कोर्स किया हो लैब साइंस में और 3 से 5 साल का रेलिवेंट तजर्बा होना चाहिए। डेंटल असिस्टेंट, फार्मेसी असिस्टेंट, LHV, मिडवाइफ, इन सब के लिए दोस्तों तालीमी काबिलियत डिप्लोमा या फिर रेलिवेंट कोर्स मुतलका फील्ड में और 3 से 5 साल का रेलिवेंट तजर्बा होना चाहिए। सेकंड लास्ट में दोस्तों आया या दाई, 1 साल का रेलिवेंट तजर्बा होना चाहिए। लास्ट में दोस्तों स्वीपर मेल या फीमेल, 3 से 5 साल का रेलिवेंट तजर्बा होना चाहिए। आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, आप लोगों ने एप्लीकेशन के साथ CV और साथ तस्दीक या डॉक्यूमेंट जिसमें तालीमी सनाद, एक्सपीरियंस लेटर्स, शनाख्ती कार्ड PRC, अपडेट रजिस्ट्रेशन और 3 पासपोर्ट साइज तस्वीर लगाकर आप लोगों ने बाय कुरियर
पोस्ट आप लोगों ने भेजना है, और जिस पोस्ट में आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं उसका नाम आप लोगों ने लिफाफे के ऊपर वादे तौर पर लिखना है, और 25 नवंबर से पहले आप लोगों ने एप्लीकेशन बाय पोस्ट पहुंचा देनी है। नामुकम्मल दरख्वास्तों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप लोगों ने एप्लीकेशन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पब्लिक वेलफेयर हॉस्पिटल ऑपोजिट पक्का किला सी डिस्ट्रिक्ट डेरा भक्ति बलूचिस्तान इस एड्रेस पे बाय पोस्ट पहुंचानी है। गवर्नमेंट इदारे में काम करने वाले उम्मीदवार अपने इदारे के थ्रू अप्लाई करें। दोस्तों इन तमाम वैकेंसी में सिंध और पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बताता चलूं कि बलूचिस्तान और डेरा भक्ति से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों को, डोमिसाइल रखने वाले उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। अगर कोई उम्मीदवार एक और बाद आप लोग बताता चलूं कि इन तमाम वैकेंसी में उम्मीदवार सिर्फ एक वक्त में एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, और आप लोगों ने एप्लीकेशन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर पोस्टल एड्रेस वादे तौर पर लिखना है। 46 उम्मीदवार को टेस्ट या इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। टेस्ट या इंटरव्यू के लिए जाने वाले उम्मीदवार को कोई TA DA नहीं दिया जाएगा। सैलरी पैकेज दोस्तों ज़बरदस्त होगा। तो दोस्तों ये थी वैकेंसी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ये वैकेंसीज आई हैं, पब्लिक वेलफेयर हॉस्पिटल में वैकेंसीज हैं। आप लोगों ने दोस्तों एप्लीकेशन के साथ CV साथ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स लगा के बाय पोस्ट पहुँचाने हैं 25 नवंबर से पहले नीचे दिए गए एड्रेस पे। पूरे बलूचिस्तान और पंजाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बलूचिस्तान और डेरा भक्ति का डोमिसाइल रखने वाले उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी वैकेंसी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की वैकेंसीज और इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल डेली जॉब इन्फो को सब्सक्राइब करें। दोस्तों स्टार्टिंग में ये आपकी जॉब जो होंगी कॉन्ट्रैक्ट पे बेस पे होंगी, उसके बाद आप लोगों के परफॉर्मेंस की बेस पे आप लोगों को एक्सटेंडेबल कर दिया जाएगा। सरकारी हॉस्पिटल में दोस्तों ये वैकेंसीज हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मौका है, आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिए। मज़ीद इस तरह के अपडेट्स और इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।